तीसरे चरण के मतदान से ठीक पहले बीजेपी ने जारी किया नया चुनावी गाना, योगी को उपयोगी बताकर मांगे वोट। अखिलेश यादव ने बच्चे का वीडियो ट्वीट कर कहा, छोटे सरकार कह गए बड़ी बात। अखिलेश यादव की सीट करहल में योगी का तंज, बोले यादव परिवार की हालत ऐसी, चाचा को कुर्सी नहीं मिली, पिता को अपने बेटे का नाम याद नहीं। सबसे बड़ी दुर्गति इस बेचारे शिवपाल की हो गई है, जो प्रदेश का नेता था, कल बेचारे को कुर्सी नहीं मिली तो यानी सोफे के हत्थे पे बैठा हुआ था। शिवपाल का योगी पर पलटवार, कहा बीजेपी बौखलाई हुई है, उसके पास मुद्दे नहीं है। देखिए बीजेपी के लोग, जब हम पूरा परिवार एक हो गए तो बौखलाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी का अपने जिला अध्यक्षों को निर्देश, कहा ईवीएम के स्ट्रांग रूम तक पहुंचने तक पीछा करें, 10 मार्च तक स्ट्रांग रूम के बाहर 24 घंटे निगरानी करें। सीएम योगी ने अहमदाबाद ब्लास्ट केस को यूपी चुनाव में बनाया मुद्दा, कहा अहमदाबाद ब्लास्ट में एक दोषी के परिवार का समाजवादी पार्टी से संबंध। आतंकवादी के पिता का संबंध, उसके परिवार का संबंध किससे है मालूम है? समाजवादी पार्टी से। यूपी चुनाव को लेकर आज रात 8 बजे बीजेपी की बड़ी बैठक, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे, बाकी चरणों को लेकर होगी चर्चा। यूपी में आज चौथे चरण के चुनाव के लिए जोर पकड़ेगा प्रचार, गृहमंत्री अमित शाह बांदा, रायबरेली और लखनऊ में रैलियां करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पीलीभीत, सीतापुर और लखनऊ में मांगेंगे वोट, 23 फरवरी को 9 जिलों की 60 सीटों पर होना है मतदान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सुल्तानपुर, अमेठी और लखनऊ में करेंगे जनसभा, बीजेपी के लिए मांगेंगे वोट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी के गोंडा और लखनऊ में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे, राजनाथ का संसदीय क्षेत्र है लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर और हरदोई में जनसभा करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वर्चुअल रैली में योगी सरकार पर बोला हमला, कहा यूपी में 12 लाख पद खाली पड़े हैं लेकिन इन्हें बेरोजगारी नहीं दिखती। मैं गांव गांव में जाती हूं, जिले जिले में जाती हूं, मुझे तो कोई लखपति नहीं दिख रहे हैं, मुझे तो उल्टा दिख रहा है कि जो लखपति था वो भी गरीब होने लगा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज से 2 दिन के रायबरेली दौरे पर रहेंगी, घर घर प्रचार और कई चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होंगी। बीएसपी प्रमुख मायावती आज यूपी अंबेडकर नगर में जनसभा करेंगी, अंबेडकर नगर में 3 मार्च को छठे चरण का है मतदान। बस्ती जिले में बीएसपी उम्मीदवार जहीर अहमद उर्फ जिम्मी को स्थानीय लोगों ने सिक्कों से तोला, कप्तानगंज सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जहीर अहमद। पंजाब के गुरदासपुर जिले में चुनावी रंजिश में युवक की हत्या, फतेहगढ़ चुड़िया इलाके में अकाली दल और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत, मृतक अकाली दल का समर्थक था और हत्या का आरोप कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर है। पंजाब के सीएम चन्नी और मानसा के कांग्रेस उम्मीदवार सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ चुनाव आचार संहिता तोड़ने का केस दर्ज, प्रचार की मियाद खत्म होने के बाद भी प्रचार का आरोप। पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, युवाओं को 5 साल में 5 लाख नौकरी देने का वादा, महिलाओं को 1100 रुपए महीना, साल में 8 सिलेंडर और फ्री हेल्थ सर्विस देने का वादा। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए सीएम चन्नी बोले, 12वीं पास लड़कियों को 20,000 और कंप्यूटर सरकारी कागजात की घर घर पर डिलीवरी होगी, सबको पक्का मकान देंगे, सिद्धू का पंजाब मॉडल लागू होगा।
वोटिंग से पहले सिद्धू की अपनी पार्टी को चेतावनी, कहा पंजाब की भलाई के लिए मुझे नींव में रहना मंजूर है लेकिन सरकार में पंजाब मॉड्यूल लागू नहीं हुआ तो ठोकूंगा। पंजाब में मतदान से पहले केजरीवाल का एबीपी न्यूज को खास इंटरव्यू, बोले दिल्ली में हमारा शानदार काम दिलाएगा पंजाब में वोट। 5 साल सरकार चलाने के बाद अगर उनके पास गिनाने को एक भी काम नहीं है और वो जनता से इस बात पे जाके वोट मांग रहे हैं कि केजरीवाल आतंकवादी है इसलिए मेरे को वोट दे दो, तो वो मान रहे हैं कि मैंने कोई काम नहीं किया। पंजाब के सीएम चन्नी की मांग पर केंद्र सरकार ने केजरीवाल के अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस से कथित रिश्तों की जांच के आदेश दिए। गृह मंत्रालय ने कहा देश की एकता अखंडता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। केजरीवाल पर पंजाब के सीएम चन्नी का निशाना, बोले आम आदमी पार्टी देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाकर पंजाब पर कब्जा करना चाहती है, जनता जवाब देगी। अहमदाबाद बम धमाकों में विशेष अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगा जामियात उलेमा ए हिंद, मौलाना अरशद मदनी बोले कोर्ट का फैसला यकीन के परे। ...2008 में हुए अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में कल 39 में से 38 दोषियों को सुनाई गई है फांसी की सजा, 11 को उम्र कैद। कोर्ट ने कहा मोदी अमित शाह जैसे बड़े नेताओं को निशाना बनाने की साजिश थी। सीएम केजरीवाल आज 12,000 से ज्यादा नए स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन करेंगे, दिल्ली सरकार के 240 स्कूलों में जुड़ेंगे 12,430 नए स्मार्ट क्लासरूम। पीएम मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों के लिए 100 किसान ड्रोन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाई हरी झंडी, ड्रोन के जरिए किसानों को खेती में मिलेगी मदद। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के ठाणे और दिवा को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का उद्घाटन किया, बोले ये मुंबई वासियों के जीवन में लाएगी बड़ा बदलाव। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 12 बजे इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन करेंगे, सीएम शिवराज सिंह और राज्यपाल मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी और यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान के बीच शिखर बैठक में ऐतिहासिक समझौता, दोनों देशों ने मुक्त व्यापार संधि पर किए दस्तखत। यूएई ने आभूषणों और भारत ने सोने पर घटाया शुल्क, पीएम मोदी ने अगले 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार $100 अरब पहुंचने की उम्मीद जताई। कोरोना के मोर्चे पर अच्छी खबर, पिछले 24 घंटे में 22,000 के करीब नए केस आए, कुल एक्टिव केस 2.5 लाख के करीब, 24 घंटे में 325 नए केस। देश में 80% व्यस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर दी जानकारी। कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, सर्च ऑपरेशन जारी, जैनपोरा इलाके में 2 आतंकियों के छुपे होने की आशंका के बाद शुरू हुआ एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर में एलओसी से आतंकी घुसपैठ रोकने के लिए सेना ने बढ़ाई चौकसी, उरी में आधुनिक हथियारों से सरहद की निगरानी। एनआईए ने हिमाचल काडर के आईपीएस एडी नेगी को गिरफ्तार किया, आतंकी संगठन लश्करे तैयबा को गोपनीय सूचनाएं लीक करने का आरोप, पहले एनआईए में ही एसपी थे नेगी। जींद में पकड़ी गई बुलेट छुड़ाने आए पुलिसकर्मी और थाने के एसएचओ में मारपीट, सिविल लाइन पुलिस स्टेशन का मामला। हमारे माननीय पुलिस जींद ने इनको पकड़ने का अभियान चालू शुरू किया है जिसमें आज 11 मोटरसाइकिल इंपाउंड की गई है। दिल्ली के राजौरी गार्डन में दिल दहलाने वाली घटना, पार्क में सैर करने आए दंपत्ति पर लुटेरे ने चाकू से किया हमला, रामकिशोर नाम के शख्स की मौत। बिहार के लखीसराय में संपत्ति के बंटवारे के विवाद को लेकर बेटे ने पिता दानी महतो पर चलाई गोली, पिता की मौत, हलसी थाना क्षेत्र के मोहद्दीनगर गांव की घटना।
रेल राज्य मंत्री दर्शन जरजोश ने गुजरात के नवसारी और वलसाड़ जिलों का दौरा किया जहां बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है। रेल राज्य मंत्री ने दावा किया कि आने वाले बहुत कम समय में यह प्रोजेक्ट पूरा होगा। पुणे में शिवसेना नेता रघुनाथ कुशिक पर रेप और अबॉर्शन कराने का आरोप में FIR दर्ज। रघुनाथ बोले, हनी ट्रैप में फंसाकर मुझे बदनाम करने के लिए लगाए गए हैं आरोप। राजस्थान के अलवर में कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र मीणा सहित 3 पार्षद चढ़े ACB के हत्थे। 15 करोड़ के नगर परिषद के काम के लिए 5 लाख की रिश्वत लेने का आरोप। महाराष्ट्र में चांदीवाल आयोग के सामने पेश हुए मंत्री नवाब मलिक। एंटीलिया विस्फोटक कांड की जांच कर रहा है आयोग। सचिन वजे ने मलिक पर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया था। 22,000 करोड़ के ABG शिपयार्ड घोटाले में NSE के पूर्व CEO चित्रा रामकृष्णन के मुंबई वाले घर पर इनकम टैक्स के छापे। चित्रा पर हिमालय के योगी को गोपनीय जानकारी देने के आरोप है। घोटाले में अहम नाम है ये अज्ञात बाबा।